और ये हमारा मटन है, देखिए कितना लजीज लग रहा है। देखिए दोस्तों हमारा मसाला लगभग रेडी हो गया है और अब हम लोग डाल रहे हैं मटन को। बकरा मटन है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा हटे जाते हैं, आगे जिस साइड से आए हैं उस साइड से जाते हैं और देखते हैं। हेलो गाइस, मैं जेके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज फिर से हम लोग पिकनिक जा रहे हैं और जबरदस्त आपको आज पिकनिक का मजा दिखाऊंगा, तो बने रहिए दोस्तों मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और चलिए आपको एंजॉय आज पिकनिक का दिखाता हूं। और दोस्तों आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों कि आपने हमारा 1000 फैमिली कंप्लीट करवा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और आगे और दबा के इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, ताकि हमारा फैमिली और बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों आज अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मैं पकड़ा हूँ चावल है और सामान लोगों को पकड़ा और जा रहे हैं हम लोग आगे पिकनिक के जगह देखने के लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कहाँ बस मना रहे हैं आज हम लोग पिकनिक। लगता है फिर पुराना अड्डे में जाने वाले हैं आज, फिर पुराना अड्डा में पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों हमारे पुराने अड्डे में पहुंच गए हैं और अब सब चूल्हा वगैरह रेडी करते हैं दोस्तों, उसके बाद मिलता हूँ आप सभी को। देखिए दोस्तों हम लोग चटाई वगैरह पूरा लाए हैं घर से और मस्त अभी बिछाएंगे, यहाँ साफ सफाई किए हैं, पूरा कचरा यहीं फेंक देते हैं दोस्तों जो भी पिकनिक मनाने आते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। देखिए दोस्तों बॉटल है, पानी बॉटल है, एकदम मस्त दो बॉटल लाए हैं, बाकी अपना डैम का पानी यूज करेंगे खाना बनाने के लिए, मस्त साफ रहता है। और ये देखिए सामान है, गंजी बर्तन वगैरह लाए हैं और ये मेरे हाथ में चावल और धनिया का है, इसको रख देता हूँ मैं। अब तैयारी करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब सामान लाए हैं, उसको निकाल रहे हैं हम लोग। ये हंसिया है और हमारे ये सामान लोग हैं, सब पॉलीथीन में पैक करके रखे हैं। अभी दिखाऊंगा आप सभी को क्या क्या सामान लाया है उसको। अभी माचिस निकालने के लिए देख रहे हैं माचिस कहाँ रखा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों सब पेस्ट वगैरह बना के लाए हैं हम लोग, अभी दिखाता हूँ आप सभी को सब। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। चम्मच वगैरह लाए हैं, मस्त कढ़ाई गिलास, ये माचिस मिल गया दोस्तों, अब आग जलाएंगे। आग लगा दी। कढ़ाई का साइज देखने के लिए दोस्तों अपन इसको पकड़ लेते हैं। अभी देखते हैं चूल्हा रेडी कर रहे हैं और मस्त इसका साइज देख लेते हैं पहले कितने में रखाएगा। इसको भी रख के देखेंगे क्या? इसको पहले देखते हैं। साइज बना रहे हैं चूल्हे का, गंजी रखा जाए वैसे आप देख सकते हो जबरदस्त, ताकि बीच में परेशानी ना हो। शुरुआत में ही जो चीज अपन ओके कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद लास्ट तक वो जबरदस्त बना रहता है, ताकि गंजी इधर उधर मत हिले करके एकदम फिक्स साइज में आना चाहिए मस्त। अब कढ़ाई के लिए साइज देखते हैं, कढ़ाई के लिए ज्यादा साइज की जरूरत नहीं पड़ता दोस्तों, जल्दी रखा जाता है। एक कीड़ा आ गया दोस्तों हमारे इसमें, उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग कि आग से जल मत जाए बेचारा, उसको भगा रहे हैं यहाँ पास से, शायद तक भग गया वो, अब हल्का सा आग जलेगा तो और भग जाएगा वो। देखिए दोस्तों एकदम साइज मिल गया है मस्त चूल्हे का, अब आग वाग जलाते हैं यहाँ। देखिए दोस्तों ये पहले से रखा हुआ था लकड़ी, सूखा लकड़ी है ये जो पेड़ से गिरा रहता है, छोटा छोटा टुकड़ा गिरता है सूख के, वही लकड़ी है ये। और इसको मस्त अभी छोटा छोटा करके आग जलाएंगे,
अब पत्थर के बीच से आग जलता है तो दोस्तों जंगल में आग नहीं लगता है, इधर उधर आसपास में मस्त एक ही जगह जलता है आग। उसके बाद पानी डाल के उसको बुझा देते हैं लास्ट में, क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रकृति के बीच में रहते हैं और हमको प्रकृति को बचाना है, इसलिए हम लोग सब पानी वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद ही यहाँ से जाते हैं, आग वगैरह नहीं लगने देते, क्योंकि प्रकृति के प्रकृति है तब हम हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों मस्त तैयारी चल रहा है हम लोगों का, अभी आए हैं, थोड़ा देर हुआ है बस। मस्त आग जला रहे हैं अभी। यह टेक्निक दोस्तों आग जलाने का जबरदस्त, आप भी सीख सकते हो, आसानी से जल जाता है आग इससे, देखिए। देखिए दोस्तों मैं भी अब आग वाग जलाने के लिए लगता हूँ थोड़ा सा। छोटा 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 लकड़ी लोगों को पकड़ाना पड़ता है दोस्तों, आग जल्दी पकड़ लेता है फिर मस्त। ये वाले क्लिप ला देखे। देखिए दोस्तों हमारा आग मस्त है, वो हो गया है, जल गया है। अब इसको थोड़ा सा और जलने देते हैं, उसके बाद फिर तब तक अपन दूसरा कार्यक्रम चालू करते हैं इधर। तो दोस्तों अब हम लोग पत्थर लाने के लिए जा रहे हैं मस्त पेड़ से जो रहता है सागौन का पान, और सामान वामान रखने के लिए काम आएगा वो, और खाने के लिए भी काम आएगा दोस्तों जबरदस्त। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं, देख रहे हैं, पहचान कर रहे हैं अच्छा सा पत्ता जो है वो कहाँ है, अच्छे से देख लेते हैं और ढूंढते ढूंढते थोड़ा दूर जाते हैं ताकि अच्छा सा मिले हम लोगों को। और आगे आगे भैया जा रहे हैं, दोस्तों हम लोगों को इस साइड अच्छा सा पान नहीं मिल पाया, पत्तल और थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे जिस साइड से आए हैं उस साइड से जाते हैं और देखते हैं। ये कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो, ये वाला पान थोड़ा ठीक लग रहा है दोस्तों। तो भैया तोड़ रहे हैं मस्त, अच्छा अच्छा छांट छांट कर तोड़ रहे हैं मस्त, देख रहे हैं, आपको दिखाता हूं मैं। ये सामान वगैरह पकड़ने के लिए अभी जरूरत है दोस्तों ज्यादा, उसके बाद खाने के लिए और फ्रेश वाला लाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा पत्तल इधर मस्त आ गया है, अभी इसको धोएंगे वगैरह साफ अप करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, सामान वगैरह रखेंगे इसमें। देखिए चुन चुन के पत्ता निकालना पड़ता है थोड़ा साफ वाला, जिसमें छेद वगैरह ना हो, ताकि सामान का जो भी मटेरियल है अपन सामान रखते हैं वो नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा आग भी एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। अब इधर सामान वगैरह निकालते हैं दोस्तों मस्त, पत्तल धो के ला के दोस्तों। अब थोड़ा सा गंजी को हम लोग वो करेंगे, मिट्टी से पोताई करेंगे थोड़ा सा, ताकि वो जले जले तो वो मत हो, क्या बोलते हैं दोस्तों, काला मत हो। और मैं इधर फंस गया हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जबरदस्त, ऐसा होता है जंगल में कभी कभी ऐसा हो जाता है, और आराम से ही उतरना है। और ये हम लोग पहुंच गए दोस्तों तालाब के पास, डैम के पास, ये सिराजपुर डैम है। और देखिए पत्थर कितना जबरदस्त दो रहे हैं भैया, दिखाता हूँ आप सभी को। अभी सब कढ़ाई वगैरह धोएंगे दोस्तों अच्छे से, चावल वगैरह लाए हैं उसको धोएंगे, मटन को धोएंगे अच्छे से, ये इसको बिछा देते हैं।
देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसे पोटी लगाते हैं मस्त। इसको पोटी लगाना बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में। ऐसे क्या गंजी वो नहीं होता, बर्तन जो रहता है वो काला नहीं होता। और काला होगा भी तो दोस्तों वो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाता है। इसको रख देते हैं, अब थोड़ा देर इसको सूखने के लिए रखेंगे मस्त। देखिए दोस्तों, बकरा मटन है और इसका साफ सफाई कर रहे हैं। इसको अच्छे से साफ करना पड़ता है दोस्तों, दो तीन पानी अच्छे से साफ करना पड़ता है, उसके बाद जबरदस्त बनाएंगे इसको। देखिए दोस्तों, मस्त मटन को धो के साफ एकदम पत्तल में रखे हैं हम लोग, और जबरदस्त इधर कढ़ाई में पोती लग रहा है अभी। देखिए दोस्तों, हम लोग धो के ला लिए मस्त मटन, धनिया, चावल, चावल को रख दिए हैं, और अब सब सामान वगैरह निकाल रहा हूँ मैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये धनिया पैकेट लाए हैं, मिर्ची पैकेट है, और ये है केसरी मसाला, ये खड़ा मसाला है, और ये अपना मीट मसाला है। बकरा है इसलिए आज मीट मसाला लाए हैं, नहीं तो चिकन मसाला लाते हैं। और ये अपना टाइम पास, और तेल है दोस्तों इसमें, और इसमें है दोस्तों ये हल्दी है, घर से लाए हैं इसको। इसमें नमक है दोस्तों, और मिर्ची है, और टमाटर है, और प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें पूरा पीस कर लाए हैं मिक्सी से। और इतना ही सामान है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी में ज़बरदस्त यूनिक तरीके से आज बनाएंगे मटन करी, या मटन मसाला भी बोल सकते हैं उसको। दोस्तों हमारा कढ़ाई रखा गया है, चूल्हा भी रेडी हो गया मस्त, और मस्त गरम हो गया कढ़ाई हमारा। अब खड़ा मसाला भूनेंगे हम लोग। कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही गरम हो गया दोस्तों, इसलिए हम लोग उसको चूल्हे से उतार दिए हैं, और अब खड़ा मसाला डालेंगे इसमें। हमारा देसी औजार हसिया, देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये पांच वाला खड़ा मसाला है, और सब अलग अलग आता है इसमें मस्त है। उसको काट काट कर मस्त कढ़ाई में डाल रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, मसाला को हम लोग हल्के आंच में भून रहे हैं इसको, ताकि मसाला जले ना। हल्का हल्का भूनेंगे दोस्तों, उसके बाद इसको मस्त कूटेंगे, मसाला बनाएंगे एकदम मस्त पिज्जा वाला। अब मस्त इसको पत्तल में निकाल रहे हैं दोस्तों हम लोग, एकदम जबरदस्त खुशबू आ रहा है मसाले का। देखिए दोस्तों, तेल डाल रहे हैं अब हम लोग थोड़ा सा मिर्ची तलने के लिए। ठीक, टमाटर भी तल देंगे। देखिए दोस्तों, तेल गरम हो गया मस्त है। अब थोड़ा सा पपड़ निकाल रहे हैं, चिप्स है बस। तेल बाद में डाल लेंगे, है ना? हाँ। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा पेस्ट बना रहे हैं हम लोग, कुछ अलग तरीके से डालेंगे आज हम लोग अपने मटन में। और देखिए, प्याज हल्का हल्का हो रहा है, भुजा रहा है, उसको हम लोग थोड़ा देर तक और भूनेंगे। और अभी मिर्ची, धनिया, मसाले का पेस्ट बनाएंगे मस्त। कितना
ये देखिए दोस्तों मिर्ची है, देखिए दोस्तों ये मिर्ची है। सबसे पहले मिर्ची डाले हैं, उसमें प्याज का, प्याज और लहसुन का जो पेस्ट का जो रसा बचा हुआ था उसको डाले हैं दोस्तों, और उसका जो पानी निकल जाता है वही है। उसमें मिर्ची डाले हैं अभी, और थोड़ा थोड़ा देर में दोस्तों इसको प्याज को चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा, हल्का गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अभी इधर पेस्ट बन रहा है, उसके बाद डालेंगे ये दोस्तों धनिया, पीसा धनिया है दोस्तों, इसको मार्केट से ही अपन खरीद के लाए हैं। ये हल्दी, ये दोस्तों हल्दी, इसको घर से लाए थे। ये जबरदस्त, बस बस देखिए दोस्तों हमारा मसाला एकदम मस्त रेडी हो, लगभग लगभग हो ही गया है मसाला। अब पेस्ट को डालेंगे दोस्तों, तो मस्त मिला रहे हैं इसको, ताकि वो जो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट है उसके साथ मस्त मिक्स हो जाए, और जब मटन को डालेंगे तो उसमें भी जबरदस्त अंदर तक घुसे, इसलिए पेस्ट बना के डालते हैं दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों मसाला डालने के बाद जो पेस्ट बनाए थे उसको फिर से डालने के बाद दोस्तों, वो डालने के बाद दोस्तों चम्मच को चलाते हैं, चलाना है चम्मच, चलाते रहना मस्त, अच्छे से मिक्स कर देना है इसको, और थोड़ा देर बाद ढक देना है इसको। दिखा काटते हुए दिखा नहीं। देखिए दोस्तों मैं अभी टमाटर काट रहा हूँ, मसाला रेडी हो रहा है उधर, मस्त भुंजा रहा है वो, उसके बाद मैं अभी टमाटर काट रहा हूँ, क्योंकि टमाटर उसके बाद डालना ही है अपने को, इसलिए मैं मस्त टमाटर रेडी कर रहा हूँ। तीन टमाटर लाए हैं दोस्तों, दो ये दूसरा नंबर का काट रहा हूँ, ये तीसरा एक और है, तीसरा एक है, अभी इसको काटता हूँ। ये दोस्तों ये खड़ा मसाला है जिसको भुने थे हम लोग, वही उसी को कूट रहे हैं दोस्तों, ताकि मस्त मसाला बन जाए, इससे अलग टेस्ट आता है दोस्तों। भैया कूट रहे हैं मस्त उसको, अभी मसाले, खड़ा मसाला का स्वाद ही अलग हो जाता है दोस्तों भूनने के बाद, जाता है इसको हल्का, एकदम पीसना भी नहीं है। भैया बता रहे हैं क्या है, मजा नहीं आता, क्योंकि थोड़ा कम लगना चाहिए, ये देखो थोड़ा सा हल्का दर्रा टाइप से रहना चाहिए दोस्तों। ये हम डालेंगे, अब इसको डाल देते हैं दोस्तों, मस्त हो गया है लगभग मसाला हमारा, आप देख सकते हैं हमारा मसाला एकदम मस्त लगभग भून चुका है, हल्का भूंजा हुआ है दोस्तों हमारा मसाला। उसके बाद मसाला का डाले हैं, खड़ा मसाला को, और जबरदस्त खुशबू आ रहा है दोस्तों, और देखिए तेल छोड़ना चालू कर दिया है। देखिए दोस्तों अब हम लोग टमाटर डाल रहे हैं, लगभग लगभग हो गया है, एक दो मिनट मसाला डालने के बाद भूंजे हैं, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं एकदम मस्त छोटे। अब दोस्तों नमक डाल रहे हैं, अपने स्वाद अनुसार नमक को डालना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, पहले कम हो जाए तो बाद में और डाल के खा सकते हैं अपन, और मस्त इसको चम्मच चलाते रहना है हल्का सा, और ये दोस्तों हमारे सोसाइटी में मिलता है वो नमक है, टाटा नमक वगैरह नहीं है, ये जो छत्तीसगढ़ शासन देता है वही वाला नमक है दोस्तों ये। अब थोड़ा देर दोस्तों इसको ढक देते हैं अपन, मसाले को और अच्छे से पकने देते हैं, और चावल को देख लेते हैं दोस्तों हमारा हो गया कि नहीं, हो गया है दोस्तों हमारा चावल मस्त है, एकदम रेडी हो गया है। अब बस मटन बनने की देरी है, उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, और देखना आप कैसे लगा है आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं ये जो पापड़ तला हुआ था आप देख सकते हो, ये वाला पापड़, उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ मस्त बैठ के, मस्त टाइम पास कर रहे हैं दोस्तों, हमारा मसाला उधर रेडी हो रहा है,
भैया मैं रेडी कर रहे हैं मास्टर, और बैठ के अपन मिक्सर और पापड़ तले हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं मस्त। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा पापड़ और मिर्ची भी है, और इधर मिक्सर है हमारा। मिक्सर आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, इसको टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों अपन लोग। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला लगभग रेडी हो गया है, और अब हम लोग डाल रहे हैं मटन को। बकरा मटन है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने के लिए। मसाला एक साथ अच्छे से पहले भून लेंगे इसको, और भूनते भूनते दोस्तों ये लगभग लगभग आधा 50% पक जाएगा ये। अब इसको दोस्तों अच्छे से मिला लेते हैं मसाले के साथ, और भूनेंगे थोड़ा देर तक, कम से कम 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे दोस्तों। और तक हल्दी का खुशबू नहीं आएगा दोस्तों, तब तक मसाले को अच्छे से भूनना है अपने को, तो उससे अलग ही टेस्ट आता है। और क्या है, अब इसको थोड़ा ढक देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको बीच बीच में चलाते रहना है चम्मच, अच्छे से चम्मच में अच्छे से मिलाना है दोस्तों, सभी तरफ मिलना चाहिए, और ध्यान रहे कि आग ज़्यादा ना जलाए, ताकि मसाला जो है ना बैठे नीचे कढ़ाई में। और क्या, मसाला जल जाता है तो फिर उसका स्वाद अलग हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता। देखिए हल्का हल्का आँच में ही जला रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला लगभग लगभग 20 मिनट के बाद है, इसको निकाले हैं, मस्त भुना गया है मसाला। अब इसमें पानी डालेंगे, एकदम मसाला पूरा घुस गया है मटन के अंदर, और लगभग लगभग 25 से 30% पक चुका है। अब पानी डाले हैं, अब इसको लगभग लगभग 15 से 15 मिनट और रखेंगे ढक के, उसके बाद हमारा मटन रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आग को कस के जला दिया हूँ, मस्त एकदम कस के भड़का दिया हूँ आग को, अभी जबरदस्त खोल रहा है अभी, कम से कम इसको 10-15 मिनट ऐसे खोलाना है दोस्तों, उसके बाद दिखाता हूँ आप सभी को। देखिए दोस्तों, हमारा मटन एकदम मस्त रेडी हो गया है, अब हल्का सा ये वो हुआ है दोस्तों, क्या बोलते हैं, पानी निकला है इसका, थोड़ा बचा हुआ है पानी, उसके बाद मस्त इसको उठा के रखेंगे इधर मस्त खाने के लिए। इधर रेडी कर रहे हैं अपन, आप देख सकते हो पत्तल वत्तल अभी बिछाएंगे इधर, एकदम सलाद वलाद पूरा काट लिए हैं, चावल आ गया हमारा। देखिए दोस्तों, हमारा मटन इधर रेडी हो गया मस्त, और ये हमारा चावल है, ये आज ठंडा चावल लाए हैं दोस्तों, इसमें अलग ही स्वाद रहता है, एकदम मस्त लगता है। और ये हमारा पत्तल है, इधर भैया का पत्तल है, और मस्त सलाद वलाद कट गए हैं, नींबू काट रहे हैं भैया अभी। देखिए दोस्तों, हमारा चावल निकल गया है मस्त, जबरदस्त ठंडा चावल है, और ये हमारा मटन है, देखिए कितना लजीज लग रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा मटन निकल गया है, अब आपको टेस्ट करके दिखा बताता हूँ कैसा लगा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त बना है दोस्तों, मजा आ गया एकदम, आप देख सकते हो कितना जबरदस्त दिख रहा है चावल में डालने के बाद। और ये पीस है, देखिए हल्का टाइट ना, एक नंबर है दोस्तों। अब भैया टेस्ट करके बताएंगे पीस कैसा लगा है। हर समय हम लोग चिकन वाला खाते थे, इस बार हम लोग बकरा लेके आए हैं, बकरा मटन लेके आए हैं, और आज बनाए हैं, और पहली मरतबा है जो बनाए है उसको, क्योंकि हड्डी छोड़ दिया है, लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत जबरदस्त लगा है, बहुत जबरदस्त मजा आ गया। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं मिलता हूँ खाना खाने के बाद। देखिए दोस्तों, अब मैं चावल के साथ टेस्ट करके देख रहा हूँ कैसा लगा है, पीस जबरदस्त लगा है दोस्तों, अब चावल के साथ टेस्ट करके देखता हूँ कैसा लगा है। एक नंबर स्वाद आया दोस्तों, बहुत जबरदस्त लगा है, मजा आ गया एकदम।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर में, अपने दोस्तों में, ताकि और हमारा वीडियो आगे बढ़ सके। तो आपको वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें।